हे वेलकम बैक टू डीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु विशेष। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 बाय 40 फीट के हाउस डिज़ाइन वॉक थ्रू की, जिसका स्क्वायर फीट में एरिया है 1200 एंड यार्ड्स में बात करें तो 135 यार्ड्स आपको, और या फिर गज बोलेंगे हिंदी में, तो आपको मिल जाता है। इस घर की प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर पॉज करके देख लेना, काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर G+2 का एलिवेशन मिलने वाला है विद टेरेस गार्डन। एलिवेशन यहाँ पर काफ़ी ही डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। आप डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगा हो होपफुली आपको, तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। इस घर के फ्लोर प्लान का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमारी वेबसाइट पर लेके जाएगा और वेबसाइट पर आप प्लान्स देख सकते हैं, ओवरऑल डिटेल्स देख सकते हैं इसकी। नीचे जाएंगे तो वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पर एंटर कर गई है मेन गेट से, यहाँ पर आपको 2 कार पार्किंग मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पर सेटबैक्स भी हैं, यहाँ पर तीनों साइड में कम सेटबैक है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए दी गई हैं। स्टेयर्स आउटसाइड से है तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये घर रेंट पर्पस के लिए यूज हो सकता है। यस, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपको रेंट पर्पस के लिए घर मिल जाता है। ड्राइंग रूम मिल जाएगा, ये नॉर्मल सी डिज़ाइनिंग की गई है, सिंपल डिज़ाइन मतलब यहाँ पर रखे गए हैं, तो एज अ रेंट की जगह पर्सनल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा एरिया भी सेपरेट मिल जाता है। रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी थी। आगे चलेंगे तो यहाँ पर किचन मिल गई एल शेप में फ्रिज के साथ, विंडो सेटबैक की तरफ, एंड यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया आप बोलिए या फिर यहाँ पर ये अलग से वेट किचन बोल सकते हैं आप इसको। अंदर आए वापसी तो यहाँ पर देखते हैं कुछ कुछ है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये 2 BHK का रेंट पर्पस के लिए मिल जाता है। एक बेडरूम ये मिल जाता है विंडो के साथ में। अच्छा, सेटबैक कम थी। आप कहेंगे यार सेटबैक तो बहुत कम है, यहाँ पर अंधेरा रहेगा, तो क्या है कि ये हमारे बैंगलोर के क्लाइंट का काम था, तो उनके साइड वाले जो अदर्स प्रॉपर्टी वाले हैं वो भी तो इस तरीके से ही छोड़ेंगे, कंपलसरी है, तो उसके लिए एक डिसेंट इनफ स्पेस बीच में हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम है, चारों तरफ इनशॉर्ट सेटबैक, और जब अदर्स प्रॉपर्टी वाले भी छोड़ेंगे तो एक डिसेंट स्पेस दोनों तरफ से मिल जाएगा। ये एक और बेडरूम मिल जाता है, सिंपल डिजाइनिंग वार्डरोब यहाँ पर मिल जाती है, टीवी रूम भी यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। तो ये था हमारा 2 BHK का रेंट पर्पस के लिए घर। अभी बाहर चलते हैं, पार्किंग एरिया में आ गए, देन अब ऊपर चलते हैं। अच्छा, ऊपर से हमारा मेन स्टार्ट, एक पेडेस्ट्रियन गेट भी सेपरेट एंट्री के लिए दिया गया है, 2 गेट्स हैं यहाँ पर। ओवरऑल आप ऐसे कस्टमाइज डिजाइन बनवाने के लिए, कस्टमाइज प्लान, एलिवेशन, स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, इंटीरियर, कुछ भी करवाना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं dvstudio22work@gmail.com। और कुछ लोगों के रिप्लाईज नहीं हुए तो वो हम कर रहे हैं यार, सबके रिप्लाई ज़रूर करते हैं, पेंडिंग मेल ज़्यादा नहीं छोड़ते हम। थोड़ी सी पेंडिंग इस टाइम पर हो गई हैं, वो सबके रिप्लाई हम कर रहे हैं। फोयर के बाद एंट्री हुए हम अपने लिविंग एरिया में, जो कि ओपन है, मतलब एक तरह से डबल हाइट एरिया टाइप विद स्टेयर केस आप मान सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है बैक साइड में, प्रॉपर वॉशरूम मतलब कि यहाँ पर बाथिंग भी मिल जाती है, ये कोई पाउडर रूम नहीं है। एक सेपरेट डाइनिंग एरिया भी मिल जाता है मिरर वर्क के साथ में। एंड सेपरेट पूजा एरिया भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ओवरऑल प्लानिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्पेसेस काफी अंदर ही अंदर बहुत सारे निकले हुए हैं इस प्लॉट साइज में। पैरेलल आपको किचन मिल जाती है यहाँ पर, 30-40 का प्लॉट यहाँ पर आपको जैसा कि बताया, उसमें आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज हुई है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आप चेक कीजिए यहाँ पर। ये वेट किचन अगेन आपको मिल जाती है, और एक पेंट्री या फिर बोलिए स्टोर आपको एरिया मिल जाता है किचन के साथ में। वीडियो को लाइक कर देना, आपको हमारे डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट, क्या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लगता हो कमेंट सेक्शन में बताओ, भर दो कमेंट्स।
ये एक बेडरूम मिल जाता है यहाँ पर, इस फ्लोर पर एक बेडरूम ये आपको मिल जाता है बड़ा टीवी यूनिट के साथ में, एंड यहाँ पर वार्डरोब एरिया मिल जाता है ड्रेसिंग मिरर के साथ में। तो जैसा आप देखा बाहर कॉमन वॉशरूम था, ये उसको यूज कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, सब कुछ बताना, आपका काफ़ी सपोर्ट मिलता है और आपकी हम रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं, वो भी कमेंट्स में डाल दिया करो। कुछ वर्क हमारे क्लाइंट के होते हैं तो कुछ वर्क आप ही के लिए हम डिज़ाइन करके डालते हैं, आपकी सबकी रिक्वायरमेंट ना थोड़ी सी कंबाइन करके डालते हैं जो कि कॉमनली ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाए। अब ये फर्स्ट फ्लोर के बाद आपको यहाँ पर बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है, टीवी यूनिट सिंपल फॉल्सी डिजाइन वार्डरोब, यहाँ पर आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल जाएगी। अगेन नीचे भी वॉकिंग क्लोजेट थी, बट नीचे ना जो ये वॉशरूम था ये नहीं था, ये बाहर से एंट्री थी, यहाँ पर ये अटैच है इस बेडरूम के साथ में ही, इसलिए ही नीचे वाले वॉशरूम में भी बाथिंग का था। आप अगर रिवाइंड करके वापसी जाके देखना एक बार दोबारा। और भी क्या इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में कुछ आती हो ना चीज़ें, यार ये भी करो ऐसा भी करो इसमें बड़ा मज़ा आएगा तो वो भी ज़रूर बताना, हम ट्राई ज़रूर करेंगे। यहाँ पर एक ये ऑफिस सेटअप एरिया मिल जाता है, मतलब कोई कमर्शियल ऑफिस नहीं, घर के लिए ही ऑफिस वर्क के लिए, जिनका वर्क फ्रॉम होम भी होता है, आईटी फील्ड वालों के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप मिल जाता है। स्टोरेज एरिया अलग से मिल गया एंड एक पाउडर रूम भी यहाँ पर मिल जाता है, छोटी मोटी घर में ऐसी इस तरह मीटिंग्स भी कर सकते हैं। तो और ये स्पेस भी एक तरह से बेडरूम के साइज़ का ही था ओवरऑल, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं दो बेडरूम नीचे थे, एक बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे था और यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर भी आपको एक बेडरूम, मतलब ओवरऑल 6 बेडरूम का स्पेस आपको मिल जाता है काउंट करोगे तो। ये एक और बेडरूम मिल जाता है एज अ मास्टर बेडरूम, यूज़ कर सकते हैं। बाहर की तरफ है फ्रंट की तरफ बड़ा हैवी सा टीवी यूनिट पैनल, वार्डरोब एंड कोव वाली कोव लाइट वाली फॉल सीलिंग, इसी के साथ बड़ा स्लाइडिंग यहाँ पर कनेक्ट कर देता है बालकनी से जो कि फ्रंट साइड में है। इस टाइम हमें सेकंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर 2 BHK था, फर्स्ट फ्लोर पर ओवरऑल 1 BHK था, यहाँ पर आपको 2 बेडरूम के साथ ऑफिस एरिया मिल जाता है। इस बेडरूम मतलब ये मास्टर बेडरूम बोला तो यहाँ पर आपको वॉकिंग क्लोजेट तो मिला ही मिला ड्रेसिंग मिरर के साथ में एंड एक अटैच वॉशरूम काफी अच्छे साइज का। ये रहा एक और स्लाइडिंग, कॉमन एरिया से भी एंट्री हो जाती है बालकनी में। अभी स्टेयर्स से चलते हैं बढ़िया से टेरेस गार्डन पर। यहाँ पर स्टेयर्स ऊपर तक था, यहाँ पर हमने कटआउट नहीं दिया है, ऊपर तक भी वो कटआउट लेके जा सकते हैं जो लिविंग एरिया वाला कटआउट था। टेरेस पर आए लॉट्स ऑफ ग्रीन एरियाज के साथ, यहाँ पर डिफरेंट सिटिंग्स हैं। एक्चुअली में यहाँ पर एक कॉमन यूटिलिटी एरिया कवर्ड जो कि होगा वो रखा गया है, कॉमन यूटिलिटी एरिया यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक मिनी थिएटर टाइप यहाँ पर बनाया गया है घर के यूज के लिए, ऑब्वियसली रेंट तो नीचे से नीचे ही था, वो उसका काम वहीं खत्म। बाहर आए डैन आर्टिफिशियल ग्रासेस के साथ कुछ डिफरेंट फ्लोरिंग के साथ, यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रंट वाला परगोला है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सिटिंग्स आप इजीली कर पाएंगे, एलिवेशन में पार्ट ले रहा है ये वाला परगोला। होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर दिया करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, डीवी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।